हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो जॉब है वो IPR से है, मतलब इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च है। और इस जॉब का टोटल डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस चैनल में नया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितने सारे नोटिफिकेशन आएंगे जॉब के, सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं आज के जॉब के डिटेल्स में। देखिए, आज का जो जॉब है वो इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च का जॉब है। और इस जॉब का जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे दिया हुआ हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। जॉब का जो लोकेशन होगा वो गांधीनगर, मतलब गुजरात में होगा। और इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च का जो ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ से होगा। और देखिए, टोटल जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे दिया नहीं है, आपको बाद में पता चलेगा। पहले आप अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। आप सिलेक्शन हो जाएगा तो तब तो पता चलेगा। और देखिए, जॉब जो लोकेशन होगा और जॉब जॉब टोटली जॉब है, अप्रेंटिस का जॉब है। और जॉब का जो वैकेंसीज है, बहुत सारे ट्रेड है। कंप्यूटर इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये बहुत सारे ट्रेड है, बहुत सारे ट्रेड के लिए अप्रेंटिस हैं, आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट पोस्ट है। और देखिए, फ्रेशर्स जरूर अप्लाई करिए, एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं, मगर एक्सपीरियंस को थोड़ा मिलने का चांसेस ज़्यादा कम होता है। फ्रेशर्स के लिए ये अप्रेंटिस है। और देखिए, टोटली 26 ईयर्स से पहले आप हो तो आप जरूर एलिजिबल हो सकते हो। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो शॉर्टलिस्टेड होगा क्वालिफिकेशन नंबर से, और आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो पेमेंट मिलेगा पर मंथ वो 9,100 से 10,500 रुपये तक। ठीक है, और आपका जो क्वालिफिकेशन होगा वो डिप्लोमा BA BTech होना चाहिए। इसका लास्ट डेट होगा 22, मतलब 22 नवंबर लास्ट डेट होगा। शुरू हो चुका है एप्लीकेशन 3 नवंबर से, और टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है। कैसे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे मैं डिस्कस किया हुआ हूँ। आप यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे देखिए डाउनलोड बटन है, पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। डाउनलोड बटन में जब क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा, और इस नोटिफिकेशन का पूरा ध्यान से आप पढ़ लीजिए, तो उसके बाद आप अप्लाई करिए। अप्लाई कहाँ से करेंगे? देखिए, यहाँ पे मेरे अप्लाई नाउ ऑप्शन है, तो अप्लाई नाउ ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। जब अप्लाई नाउ ऑप्शन में क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। तो आप न्यू यूज़र है, मतलब आप फर्स्ट टाइम आया है, तो आप पहले न्यू यूज़र में क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे देखिए न्यू यूज़र ऑप्शन है, तो न्यू यूज़र पर जब क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका यूज़र नेम डाल दीजिए, आप कोई भी यूज़र नेम रखना चाहते हैं वही डाल दीजिए। आप ईमेल एड्रेस को भी आपका यूज़र नेम बना सकते हैं, आप पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड का क्राइटेरिया आप देख लीजिए, अपर केस, लोअर केस और नंबर, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड में। फिर भी कन्फर्म कर लीजिए उस पासवर्ड को, और आपका नाम दे दीजिए, आपका ईमेल एड्रेस दे दीजिए और कन्फर्म कर दीजिए ईमेल एड्रेस को। उसके बाद इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए। और देखिए, आप जब रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा उसके बाद आप लॉग इन करिए और पूरा डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। तो आई होप इस जॉब का पूरा डिटेल्स और कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। और मैं इस तरीके से बहुत सारे जॉब ले आता हूँ, तो मैं यही का कहना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम जो लिंक है, इस टेलीग्राम लिंक के आप जाइए और टेलीग्राम लिंक में जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और क्योंकि बहुत सारे पोस्ट होता है जो आपको नहीं मिलता इस वीडियो के माध्यम से, तो उस टेलीग्राम में बहुत सारे पोस्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे जॉब मिल जाता है। तो आई होप उस टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्री अपडेट मिलेगा, हर वक्त अपडेट मिलेगा, कब कब किसका एडमिट आ रहा है, कब किसका एग्ज़ाम होगा, तो वो डिटेल्स आपको वहाँ से मिलेगा। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और बहुत सारे दोस्त को पता नहीं चलता तो इसलिए बहुत सारे दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं फिर से एक नया जॉब लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, धन्यवाद।